गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास में 3.3 चैप्टर करेंगे। लास्ट लेक्चर में अपने सिलेबस देख लिया था क्या क्या रहेगा हमारा, और उससे पहले हम 3.2 कर रहे थे। इस चैप्टर में मैं आपको वो ही करवाऊंगा जो आपके सिलेबस में 3.3 में आता है, द्विघात समीकरण का मानक रूप। द्विघात समीकरण का मानक रूप जो आपके सिलेबस में, ठीक है। सबसे पहले बात करें द्विघात समीकरण। द्विघात यानी द्विघात का अर्थ है घात कितनी होगी, दो। घात कितनी होगी, दो, वो भी किसकी होगी, चर राशि की। चर राशि की घात कितनी होगी हमारी, दो होगी, ठीक है। अब इसमें घात दो का अर्थ है वर्ग से है। घात दो का अर्थ किससे है, वर्ग से। दो घात आगे वर्ग ही बोलते हैं। चर राशि घात दो होगी, वो द्विघात समीकरण होती है वर्ग। जैसे द्विघात समीकरण है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल में जीरो। इसमें ए क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल जीरो के। अगर ए ही जीरो हो गया तो ये हमारी द्विघात समीकरण नहीं रहेगी, ये हमारी हो जाएगी रेखिक समीकरण। रेखिक समीकरण कौन सी होती है, जिसमें चर राशि की घात कितनी होती है, एक होती है। चर राशि की घात एक हो तो वो होती है रेखिक समीकरण, ठीक है। द्विघात समीकरण चर राशि की घात कितनी हो, दो। ए बी सी ये सारी क्या है, यहां पर वास्तविक संख्या क्या है, यहां पर ये सारी की सारी वास्तविक संख्या, समझ गए। अब इसमें द्विघात बहुपद बता दिया, इसमें द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का ये मानक रूप ही है। इसमें ए क्या होगा, नॉट इक्वल जीरो। नेक्स्ट है इसमें द्विघात समीकरण के मूल, मूल निकालने आपको बता दिए थे, अल्फा और बीटा शून्यक हो और उस समीकरण को क्या करते हो, संतुष्ट करते हो, तो वो उसके क्या होते हैं, द्विघात समीकरण के मूल होते। इतना हमने ये पढ़ रखा था पहले। अब आता है इसमें काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक सोल्व नहीं करेंगे, काल्पनिक संख्याएं आ जाए रूट में माइनस आ जाए। मेन बात यही याद रखोगे, रूट में क्या आ जाए, ऋणात्मक चिन्ह आ जाए, तो वो कौन सी संख्या होती है, आइटा वाली, इमेजिनरी पार्ट होता है वो, इमेजिनरी नंबर्स या इमेजिनरी पार्ट, उसको हम सोल्व नहीं करते। वो कौन सी संख्याएं होती है हमारी, काल्पनिक संख्या, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आगे इसमें आता है द्विघात समीकरण को हल करने की विधि। देखो आपके सिलेबस में द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां हैं, और हम तीनों ही विधियां करेंगे, क्योंकि ये तीनों की तीनों हमारे सिलेबस में है और तीनों ही इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण को हल करने की विधियां, हल करने की विधि, इसमें से एक विधि आपने पढ़ रखी है। कौन सी विधि पढ़ रखी है आपने, वो भी बता देते हैं। फर्स्ट विधि है आपकी इसमें गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, ये आपने पढ़ भी रखी है, 8th क्लास में भी पढ़ी थी, 9th में भी पढ़ी थी और 10th में भी पढ़ोगे, गुणनखंड विधि। फिर आपकी आएगी इसमें पूर्ण वर्ग विधि, ये आप फर्स्ट टाइम में पढ़ोगे पूर्ण वर्ग विधि। एक इसमें आती है इंपॉर्टेंट विधि है श्री द्राचार्य विधि, श्री द्राचार्य विधि। ये तीन विधियां हैं, श्री द्राचार्य सूत्र विधि ये बोल देते हैं इसको, ठीक है। ये दोनों विधियां आपके इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है, इनसे क्वेश्चन आना ही आना। अब देखो द्विघात बहुपद आपको बताया अभी, उच्चतम घात चर राशि की कितनी होगी, दो। जो इसमें द्विघात जैसे इस प्रकार से है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसके दो मूल अल्फा व बीटा है, शून्य को बोल सकते हैं। अगर ये इसको संतुष्ट करेंगे
तो ही ये इसके शून्यक होते हैं। संबंध भी आपको मैंने ये करवा दिया था 3.1 में करवा दिया था संबंध, भाग विधि से हमने क्वेश्चन कर लिए थे। अब आपके आते हैं द्विघात समीकरण, तीन विधियां हैं, द्वि गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और श्रीद्राचार्य सूत्र विधि। देखो पहले मैं आपको गुणनखंड विधि का एक क्वेश्चन है वो गुणनखंड विधि से भी करवा देता हूँ, पूर्ण वर्ग से भी और श्रीद्राचार्य सूत्र, तीनों से वैल्यू हमारी क्या आएगी, समान आएगी। तीनों से वैल्यू क्या आएगी, समान। ये इतना क्लियर है। फर्स्ट बढ़ते हैं हम गुणनखंड विधि। फर्स्ट बढ़ेंगे गुणनखंड विधि। देखो गुणनखंड विधि का प्रोसीजर लिखना है तो वो लिख लो, सिंपल सिंपल स्टेप बता देता हूं इसमें। गुणनखंड विधि फर्स्टली इसमें क्या करते हैं, सारे के सारे अगर हमारी द्विघात समीकरण है, अगर हमारी क्या है द्विघात समीकरण है, तो उसको इस प्रकार से लिखते हैं कि पहले तो चर की उच्चतम घात का पद आ जाएगा, चर की उच्चतम घात का पद, समझ गए। फिर उसके बाद पहले तो जैसे ये द्विघात बहुपद होगा तो इसमें चर की दो घात का, फिर एक घात का, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा अचर पद, और दाई और उसके क्या लिख लेंगे शून्य। सिर्फ समझाने के लिए, ये कोई नहीं पूछता वैसे, ठीक है जी। और दाई और इसके क्या आ जाएगा शून्य। फर्स्ट स्टेप आप करोगे इस प्रकार से। फिर बाई और जो हमारा व्यंजक होगा, बाई और जो भी हमारा व्यंजक होगा, बाई और का व्यंजक, उसके करेंगे गुणनखंड। जैसे ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 = 0, कर ली संतु, ये पहले मान लो इस रूप में दिए आपको 5x प्लस 6 = x² माइनस, मान लो इसको व्यवस्थित करनी है। सबसे पहले मैंने आपको बताया इसको इससे ही लेके आएंगे, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 = 0, पहले का दो फिर एक फिर अचर पद, ये दाई और शून्य आ गए। फिर इस बाई और वाले के आपने करने हैं गुणनखंड। गुणनखंड किस प्रकार से करने हैं, प्रथम और अंतिम का करना है आपने गुणा, प्रथम और अंतिम का गुणा करना है। गुणा करने पर आपके पास क्या आ गया, यहां से जैसे एक्स स्क्वायर इंटू 6 अगर इस रूप में लिखें मानक रूप में, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर इंटू सी, क्या आ गया ए सी एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा प्रथम और अंतिम का गुण। गुणा करने पर जो संख्या बन रही है और बीच में जो संख्या है जोड़ने या घटाने पर वो बनने चाहिए, इस प्रकार से गुणनखंड करने हैं। क्या करना है भी, गुणा इनका करने पर जैसे ए सी एक्स स्क्वायर आया, गुणा करने पर तो यही आया एस सी इसके टुकड़े करने हैं, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमारे पास यहां पर जैसे बी एक्स है तो बी एक्स ही आना चाहिए जोड़ने या घटाने पर, और गुणा करने पर हमारे पास क्या आ जाए ए सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्रथम और अंतिम का आप क्या कर लोगे, गुणा, जो बीच वाला है उसका योगफल या अंतर जो भी आए उसके बराबर होना चाहिए, फिर उसके बाद तो कॉमन वगैरह लेके ही सोल्व करने। क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि इसमें जैसे दिया है हमें ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस क्वेश्चन को मैं गुणनखंड विधि से करवाता हूं। सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल में 0, क्या कहा था इसको, ये पहले सेट की हुई है हमारी पहली, प्रथम और अंतिम का गुणा करो, ये रफ वर्क कर रहे हैं 6x स्क्वायर, गुणा क्या हो गया इसका 6x स्क्वायर। अब इसके टुकड़े करते हैं, दो तीय 6, तीन दुए 6, 6 एकम 6, इतने होते। अब बीच वाली संख्या देखोगे यहां पर क्या दिया हुआ है हमें, प्लस के 5 है, प्लस के 5x हैं, ऐसे टुकड़े ढूंढने हैं भी, प्लस के 5 बने, प्लस 2 प्लस 3 हो जाएंगे प्लस के 5, x लगा दो और यहां भी x लगा दो,
तो एक्स की स्केयर भी बन गई 2 × 3 6 स्केयर, गुणा करने पर 6 स्केयर ही बनाना था, जोड़ने या घटाने पर कितने बनाने थे, प्लस के 5x, तो ये बन गए, ये टुकड़े सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां रखो एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 = 0। यहां से इतने में से कॉमन लोगे तो x कॉमन आ गया, ब्रैकेट में क्या रह गया x + 2, क्योंकि x की स्केयर है एक तो बार बार कॉमन ही आएगी। फिर प्लस यहां से कॉमन लोगे तो 3, ब्रैकेट में x + 3 × 2 = 6 = 0। अब इस पूरे में से देखें तो यहां से लेकर यहां तक हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x + 2, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा यहां से, तो x प्लस में यहां से क्या रह गया 3 = 0। वैल्यू निकालनी है तो x + 2 = 0, तो x = +2 - 2, x + 3 = 0, x + 3 है उस साइड जाके -3। इस प्रकार से आपने इन गुणनखंड विधि द्वारा समीकरणों को हल करना है। नेक्स्ट आपके है इसमें पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि के स्टेप लिख लो भी सबसे पहले, इसमें तो ये तो सिंपल है, इसमें तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपकी पहले भी की हुई है। पूर्ण वर्ग विधि में लिखो सेकंड पूर्ण वर्ग विधि, सबसे पहले तो वही बात है, आपने समीकरण को उच्चतम घातों के रूप में लिखना है, उच्चतम से निम्नतम की ओर, निम्नतम घात, ठीक है। जैसे ये लिख लिया ax² + bx + c = 0, ये हो गया। समीकरण को पहले क्या करना है, हमने सेट ही करना है, पहली बात तो यही करनी। सेकंड बात, समीकरण द्विघात होनी चाहिए, द्विघात की बात कर रहे हैं हम पूर्ण वर्ग विधि से। सेकंड बात आपने क्या करनी है, जो यहां पर है x² का गुणांक इकाई होना चाहिए, इकाई का अर्थ है x² के गुणा में एक ही रहना चाहिए, जैसे 1 × x², 3 है तो 3 का सभी में डिवाइड कर दो, 3 है तो 3 का सभी में क्या कर दो डिवाइड, तो 1 बन जाएगा सभी में करोगे, ठीक है। क्या करोगे, x² का गुणांक इकाई बनाओगे, सबसे पहले x² का गुणांक इकाई बनाओगे, इकाई यानी ब्रैकेट में लिख लो 1 बनाओगे, याद रह जाएगा। इकाई कैसे बनाना है, अगर x² के गुणांक 15 है तो 15 का सभी में भाग दे दो, जो भी x² का गुणांक है याद रखो भी पूरी समीकरण में उसी से भाग दे दो, पूरी समीकरण में उसी से भाग दो, बन जाएगा अपने आप ही कहीं। उसके बाद जो आपका होगा अचर पद, अचर पद जैसे c है, अचर पद को लेके जाओगे राइट हैंड साइड, अचर पद को दाई तरफ लेकर जाओगे। सबसे पहले क्या करना है, समीकरण को व्यवस्थित करना है बढ़ते क्रम से निम्नतम क्रम की ओर, बड़े से छोटे की ओर। फिर सेकंड आपने क्या करना है, x² का गुणांक बनाना है भी इकाई, समझ गए। फिर थर्ड आपने सेकंड में, या अगर इकाई नहीं याद रहता तो x² का जो भी गुणांक है, जैसे इसमें x² का गुणांक a है तो इसका सभी में भाग दे दो, क्या आ जाएगा ax² / a + bx / a + c / a = 0, तो ये 1 बन गया, तो x² + b / a + c / a = 0। अब उसके बाद अचर पद को आप लेंगे दाईं तरफ, तो यहां क्या आ जाएगा x² + b / a = -c / a। इतना करने के बाद क्या करना है आपने, ये बात इंपॉर्टेंट है, यहां से
आपका क्वेश्चन। ये बात आपको याद रखनी है, इतना तो सिंपल ही है। यहां से क्या याद रखना है, एक्स के गुणांक का, एक्स के गुणांक का आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ दोगे, दोनों पक्षों में जोड़ेंगे, एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग, याद रह जाएगा एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग। जैसे यहां पर एक्स का गुणांक हमारा क्या है, एक्स के गुणा में बी अपॉन में ए, बी अपॉन में ए के आधे का, आधा कर दिया इसका वर्ग, बी अपॉन ए के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। यहां यहां से क्या याद रखो, अर्थात एक्स का गुणांक आधा करना है तो दो से भाग और उसका वर्ग, याद रह जाएगा एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों तरफ जोड़ दोगे। तो बायां पक्ष जो होगा इसके बाद हमारा, बायां पक्ष हमारा बन जाएगा पूर्ण वर्ग, बायां पक्ष क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग क्या बनेगा, ये भी देख लो, यहां तो a प्लस बी की होल स्क्वायर या a माइनस बी की होल स्क्वायर, यहां तो क्या बनेगा a प्लस बी की होल स्क्वायर या क्या बनेगा a माइनस बी की होल स्क्वायर, समझ गए ये चीज, इतना क्लियर है। देखो भी दोबारा से क्या करना है, सबसे पहले द्विघात समीकरण को आपने व्यवस्थित कर लेना है, बढ़ते क्रम से निम्नतम क्रम की ओर चर राशि को करना, फिर सेकंड आपने जो यहां पर एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक इकाई बनाना है, अर्थात एक्स स्क्वायर के गुणांक का सभी में क्या दोगे भाग, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारा क्या बन जाएगा इकाई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जो एक्स का गुणांक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अचर पद दाईं तरफ ले जाओ, उसके बाद जो एक्स का गुणांक है हमारा उसका आधा करोगे, जैसे मान लो एक्स का गुणांक है तीन एक्स, एक्स का गुणांक जैसे ये दिया तीन है, एक्स का गुणांक है तीन, इसका आधा करोगे और इसका वर्ग क्या हो जाएगा थ्री बाई टू, दोनों तरफ जोड़ दो, इतना क्लियर है। बायां पक्ष बन जाएगा आपका पूर्ण वर्ग, बायां पक्ष पूर्ण वर्ग बन जाएगा, बायां पक्ष क्या बन जाएगा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अंत में दोनों पक्षों का फिर वर्गमूल लेकर सोल्व कर दोगे, अंत में दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर सोल्व करेंगे, फिर आगे ये सिंपल ही हो जाए। अंत में क्या करोगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेकर एक्स वाई जो भी है उसके मान फाइंड आउट करो, क्लियर है ये चीज, बाकी क्वेश्चन में सारा ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या याद रखना है, द्विघात समीकरण को व्यवस्थित करना है भी, ठीक है, बड़ी घात से छोटी घात में, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक इकाई बना लो, फिर जो अचर पद है उसको उस साइड ले जाओ, दाएं पक्ष में ले जाओ, ठीक है, उसके बाद एक्स के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ दो, फिर वर्गमूल करके और उसको सोल्व कर लो, पूर्ण वर्ग बन ही जाना है वहां से। ये है हमारी पूर्ण वर्ग विधि। जो आपकी श्रीधर आचार्य सूत्र विधि है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊं, आज के लिए ये दो विधियां याद करोगे किस प्रकार से करनी है, साथ साथ अच्छे अच्छे नोट्स तैयार करोगे भी, साथ साथ ये करोगे, ये लिखोगे लाइनें, फिर याद कहां से करोगे, ठीक है। तो बाकी इसका नेक्स्ट लेक्चर।